शेर की आवाज आई ना भाई, आई है भाई। मेरी बात सुनो, बाहर किसी को नहीं निकलना भाई, बाहर कोई भी नहीं निकलेगा भाई। सोचो भैया प्लीज बाहर मत निकलना है, कोई भी बाहर मत निकलना, ठीक है? सुनो तब सुनो, आराम से गेट खोलते हैं। पंकज भाई क्या करे यार, एक मिनट रुक भाई, रुक। शेर है ना? ये देखो, अंदर से कच्चा भाई, ये लियो। कच्चा नहीं खाया जाएगा यार, मैं आप स्ट्रॉन्ग हूँ। तो ऑल राइट गाइस, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल रोशन गुज्जर पे। एक बार आ चुके हैं फिर से एक नाइट कैंपिंग की वीडियो लेके। सबसे पहले आपको मैं एक जंगल दिखा देता हूँ, इसी जंगल में हम करने वाले हैं कैंपिंग यार, क्योंकि हमारे पास सारा सिस्टम है, अपना कैंपिंग टेंट है और बाइक लेके आए। सबसे पहले आपको बता दूं कि अंधेरा है जो होने वाला है यार, तो अपने को तोड़नी ही पड़ेगी ना यार। बिल्कुल रात का बंदोबस्त करना पड़ेगा भाई, पहले हम नाइट का बंदोबस्त कर लेते हैं यार। अंधेरा हो चुका है और अभी हम कैंपिंग जो टेंट है वो लगाने वाले हैं। बट यार यहाँ पे आओ एक बार, टेंट लगाने जा रहे थे तो रिश्ते में हमें कुछ ऐसी चीजें दिखी यार। ये देखो, ये देख सकते हो पूरा, मतलब जो गाय वगैरह है ना, गाय की पूरी, मतलब जानवरों ने मारकर गाय को खा लिया और उसकी हड्ड हड़ छोड़ी है यार। तो गाइस डर तो सबसे ज्यादा लग रहा है यार यहाँ पे। चलो हम कैंपिंग टेंट लगाते हैं यार हमारा। तो यार गाइस अभी मैं निकाल रहा हूँ कैंपिंग टेंट, क्योंकि जंगल का एरिया है और अपनी जो रानी बाइक है उसको भी यहीं पे लेके आ चुके हैं यार, क्योंकि जो हाईवे है, हाईवे के ऊपर बाइक खड़ी भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई कैंपिंग टेंट पकड़ना डरा दिया। तो गाइस कैंपिंग टेंट लेके आ चुके हैं यार, अभी लगाएंगे यहाँ पे कैंपिंग टेंट। थोड़ी सी जगह कर लेते हैं साफ यार, यहाँ से एकदम से जगह को साफ कर लेते हैं यहाँ से पहले। वाह रोशन भाई क्या बात है, देसी स्टाइल। ठीक है भाई, लो टेंट देना। फाइनल जो कैंपिंग टेंट था वो हमने रेडी कर लिया है। पंकज भाई भी आ चुके हैं यार, काफी दूर से, काफी देर से बाइक पे चल रहे थे, फाइनली पहुंच ही चुके हैं यहाँ पे। ये बाइक है पंकज भाई की। चलो अंकित भाई साइड से पकड़ना है इसको एक बार। ओके तो गाइस आप लोगों के सामने हमने टेंट तो कर लिया है रेडी, अब टेंट को लगा देते हैं यार यहाँ पे, ठीक है? यही एडजस्ट कर देते हैं मैंने जगह भी पीछे पीछे भाई थोड़ा सा, ठीक है? तो गाइस फाइनली लगाया कैंपिंग टेंट। तो गाइस हमारा जो कैंपिंग टेंट है वो यहाँ पे लग के आपके सामने रेडी हो चुका है यार, ठीक है? अभी हम बनाते हैं कुछ खाना वगैरह। तो पहले सबसे पहले गाइस लकड़ियाँ तोड़नी पड़ेगी यार हमें, और लकड़ियाँ तोड़ेंगे तभी खाना बन पड़ेगा यार।
ओ भाई, तो गाइस रोशन भाई के हाथ पे चोट लगी है, देखो ब्लड आ रहा है, देखो ओ माय गॉड गाइस, इस पत्थर से शायद कट गया यार, काफी नुकीला पत्थर है ना। ओ भाई साहब, कुछ दो यार कुछ पूछने के लिए भाई, ये चलेगा क्या? नहीं रहने तो भाई, मैं अपने आप से कर लूंगा। गाइस ऐसा हादसा होता रहता है हमारे साथ, मिट्टी में कर लेते हैं यार इसको। इसको दिखाओ ना। तो गाइज ये हमारा चिकन पकने का जो है वो हमने तैयार कर लिया। अब हम करते हैं सबसे पहले चिकन को तैयार यार। गाइज ये है पानी, ये प्लेट वगैरह, वो चिकन चिकन वाली थैली लेके आना भाई। अंकित भाई जो कहाँ है वो पकड़ना, एक बार इधर फोकस करना। अंकित भाई इस बैग में है क्या वो? हाँ बैग के अंदर है। पानी लेकर आए भाई, पानी ये रहा भाई, चलो पानी लेके आना, लेके आगे। तो गाइस सबसे पहले इसको करते हैं मसाले को तैयार यार, पकड़ना रोहित भाई। चिकन आ गई है, इसमें इधर रख लेना। इसके अनुसार थोड़ा सा इसमें नमक डाल देते हैं यार, बस क्यों ज़्यादा नमक नहीं डालेंगे इसके अंदर, पानी डालना इसके अंदर। कितना सही बता दो, थोड़ा डाल दो भाई बस। गाइस इस पॉलीथीन में हमारी चिकन है। अब गाइस हम करते हैं सबसे पहले इसको एडजस्ट यार। तो गाइस ये है चिकन की थैली और ये निकल गया चिकन बाहर, ये आप देख सकते हो बिल्कुल फ्रेश चिकन है और ये बाहर निकल चुका है। गाइस इसके अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे हमने मिर्ची वगैरह से इसको पूरे को कर लिया एडजस्ट। अभी गाइस इसको थोड़ी देर के लिए रख देते हैं इसके अंदर, अंदर रख देते हैं थोड़ी देर। हाथ उठाना भाई मेरे, थोड़ी देर इसके अंदर रख देते हैं ताकि ये इसके अंदर जो मिर्ची वगैरह है वो आराम से घुल जाए। तो फाइनली गाइस आग जल गई हमारी और अभी हम चिकन को रेडी करेंगे। तो भाई प्लेट ले गया दो चिकन वाली। ये गाइस चिकन वाली प्लेट, तो गाइस ये जो हमारी जो चिकन वाली प्लेट थी वो आ चुकी है और अभी हमारा चिकन रेडी होगा और अभी हम इस पे कर रहे हैं चिकन को फ्राई यार। भाई एक बार में नहीं आएंगे दोनों? आ जाएंगे भाई, एक बार में हो जाएंगे क्या एडजस्ट? नहीं भाई नहीं, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। रखो इसको भाई नीचे साइड में रखो, नहीं गिरेगा साइड में रखो इसको। हाँ इसको थोड़ा है, ये छोटा है ना वो बड़ा है, वो उसको सेड रखना उधर करो थोड़ा रोशन भाई। इधर क्या है आग नहीं, ये लो अब सही है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो अच्छी प्रकार से जो चिकन है इसके चारों तरफ आग हो गई है, अभी अभी भुनना स्टार्ट हो गया है यार। लकड़ी वगैरह और लेके आ जाओ यार, अच्छा रहेगा। ये देख सकते हो आप सिकने लग गया, मतलब ब्लैक ब्लैक होने लग गया ना, पूरा ब्लैक होने लग गया जो चिकन है वो एकदम से काला काला हो चुका है, भुन चुका है ये देख सकते हो आप अच्छी प्रकार से। थोड़ी देर में सिक जाएगा, थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा। रोशन भाई हाँ रुको रुको भाई, इसको पकड़ना भाई, इसको बहुत अच्छी प्रकार से भुन गया यार, काला हो चुका है देखो पूरा। इतनी जल्दी हो जाता है रोशन भाई? हाँ भाई ये बहुत गर्म है, इसको रखो आप साइड में, गिर ना जाए, नीचे गिर सकता है भाई, नहीं गिरेगा भाई।
ये देख सकते हो गाइस, इसके ऊपर थोड़ा मसाला डाल देते हैं ताकि स्वादिष्ट और बन जाए। लकड़ी डाल दी इसके अंदर, फोकस करना पंकज भाई। ओ भाई साहब गर्म हो गया यार, इधर धुआं आ रखा है, ये गर्म भी हो गया ना। तो ये गाइस देख सकते हो एकदम से मेरे हिसाब से पक चुका है पीस, ये देखो। और ये तो बहुत भयंकर वाला पका हुआ है, ये देखो काफी गर्म है। और ये देख सकते हो आप, एक एक को करके पीसते हैं यार इसको, अभी तो गाइस कच्चा है, काफी कच्चा है, ये देखो क्या हुआ रोशन भाई, कच्चा ही है क्या? कच्चा है ना, काला हो गया, पक गया ही। ये भी उसकी तरह हो जाएगा फिर, गाइस अभी तो बहुत कच्चा है यार। ये हो गया रेडी, उसे मतलब भून चुका है, गर्म हो चुका है एकदम से। अब इसका ये देखो, ये देखो अंदर से क्या हुआ भाई, क्या हुआ रसोल भाई, पकाया नहीं पका, एक बार देख रहे हैं रोशन भाई। नहीं पका, पूरा कच्चा पड़ा है। गाइज आप देख सकते हो आधा कच्चा है, मतलब पूरा पका नहीं है, इसको पकाते हैं यार फिर से। उल्टा रख भाई इसको, उल्टा ये सही है नहीं है भाई, एक बात बता देता हूँ, कच्चा लग रहा भाई मेरे को, अभी पूरा नहीं पका यार ये भी। बाकी एक बात बताऊँ, खाने पीने की चीज़ों में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए यार, कि कहीं लोग देखते हैं कि भाई क्या दिखा रहा है, भाई खाने पीने की चीज़ें हैं। कच्चा भाई नहीं, अभी भी कच्चा है क्योंकि देखो टूट नहीं रहा ना। टेस्ट करोगे? नहीं आप खाओ, खाओ भाई आप, अभी इसको भूनने दो, ये खाएंगे, कच्चा नहीं खाया जाएगा यार, मैं आप स्ट्रॉन्ग हूँ ना। स्ट्रॉन्ग भाई लकड़ी, डबल स्ट्रॉन्ग है, डबल स्ट्रॉन्ग लकड़ी और सही भाई। रूप से तैयार नहीं है, हाँ कुछ कुछ मात्रा में कच्चा है यार, हो जाएगा गाइस पर एडजस्ट, इसको कर देंगे यार हम। ये देख सकते हो एकदम से, हाँ इस बार हो गया है, लाल हो चुका है पूरा, हाँ। और यहाँ से फट भी रहा है ये देखो, मतलब ये गाइस अभी पक के हो चुका है तैयार। अभी बनाते हैं हम चावल यार, ठीक है, अभी हम बना रहे हैं चिकन बिरयानी यार, ठीक है गाइस। तो ये
शेर की आवाज आई ना ओ भाई आई है भाई मेरी बात सुनो बाहर किसी को नहीं निकलना भाई बाहर कोई भी नहीं निकलेगा भाई सबसे पहले हम प्लीज बाहर मत निकलना है कोई भी बाहर मत निकलना ठीक है सुनो गेट खोलते हैं पंकज भाई गेट खोलते हैं आराम से चुप से इधर इधर से चैन है एक सेकंड भाई गेट खोलते हैं चुप 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 पंकज भाई क्या करें यार एक मिनट रुक भाई चुप चुप आग नहीं जल रही यार धुआं हो रही है ओ हो सकता है कोई जंगली कुत्ता भी हो सकता है पंकज भाई ऐसी बात नहीं है कि शेर ही हो हम ऐसा कंफर्म नहीं है कि शेर है पर हाँ दहाड़ आई है दहाड़ भाई शेर की सी है शेर की सी दहाड़ है हाँ भाई बंद करो इसे तेंदुआ